नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बॉलीवुड की शहंशाह और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन का शो कौन बनेगा करोड़पति को देखना दर्शकों को काफी पसंद है। इस शो में जाकर लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतने का सपना पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये सपना हर किसी का पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इस समय तो अमिताभ बच्चन के साथ साथ सनोज राज की भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने केबीसी में शानदार खेल खेलकर बिहार का नाम रोशन कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सनोज राज हैं कौन। तो आपको बता दें कि बिहार के सनोज राज ने सोनी टीवी के शो केबीसी 11 के सेट पर इतिहास रच दिया है। हर जगह इस समय केबीसी के ही एपिसोड की चर्चा हो रही है। बता दें कि 13 सितंबर को अमिताभ बच्चन केबीसी को 20वां एपिसोड लेकर हाजिर हुए थे। इसी दौरान सनोज ने केबीसी में 15 सवालों का सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए जीते। सनोज बिहार के जहानाबाद के हुलासगंज प्रखंड के ढुंगरा गांव के निवासी हैं। जब सनोज से 1 करोड़ रुपए का ये सवाल पूछा गया कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के पिता भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, इसका सही जवाब जस्टिस रंजन गोगोई है। सनोज को इस प्रश्न का सही जवाब पता था, लेकिन सही जवाब जानते हुए भी सनोज ने आखिरी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने जब सनोज से पूछा कि अगर आपको जवाब मालूम था तो लाइफलाइन क्यों ली, जिस पर सनोज ने जवाब दिया कि नियम के मुताबिक वो इस लाइफलाइन का इस्तेमाल 7 करोड़ के सवाल का जवाब देने में नहीं कर पाते, यही वजह है कि उन्होंने अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। बाद में उनसे 16वां सवाल भी पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन दिग्गज बल्लेबाज सर डॉन ब्रेडमैन ने किसी भारतीय गेंदबाज की बॉलिंग पर 1 रन बनाकर प्रथम श्रेणी का अपना 100वां शतक पूरा किया था, जिसका सही जवाब है गुगुमल किशन चंद। ये सवाल क्रिकेट से जुड़ा था, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए तो सनोज ने गेम को वहीं क्विट करना बेहतर समझा और 1 करोड़ रुपए जीते, जिसके बाद सनोज को अमिताभ बच्चन ने बधाई देते हुए गले लगा लिया। सनोज के परिवार वाले सनोज की जीत से बेहद खुश हैं। वो इस सीजन के पहले करोड़पति बन चुके हैं। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।